भाई सूर्यवंशी का हिस्सा नहीं है करण जौहर, यानी कि भैया करण जौहर का नाम सूर्यवंशी के साथ जोड़कर ना देखा जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लिख रहा हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़े भैया बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार, यानी कि भैया स्पीडी कुमार, अक्षय कुमार से। तो दोस्तों, आखिर में ये बात रिलायंस एंटरटेनमेंट की तरफ से क्यों कहा गया? दोस्तों, आपको तो पता ही है कि हाल फिलहाल में ही सुशांत सिंह राजपूत के देहांत के बाद से बॉलीवुड के कई सारे सितारों का लगातार बहिष्कार हो रहा है और उनमें से मुख्य नाम कुछ इस प्रकार है, यानी कि भैया करण जौहर, सलमान खान, एकता कपूर और संजय लीला भंसाली। यानी कि भैया बॉलीवुड के कई सारे सितारों पर यह आरोप लगता आ रहा है कि भैया वंशवाद के वजह से ये लोग बाहरी लोगों का बहिष्कार करते हैं, उनको हिस्सा नहीं मानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री का। और ऐसा ही कुछ व्यवहार हो रहा था सुशांत सिंह राजपूत के साथ, यानी कि भैया नेपोटिज्म का जो मुद्दा इन दिनों काफी गर्म हुआ है, तो उसके वजह से लगातार बॉलीवुड के कई सितारे इस आरोप के घेरे में आ चुके हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो है करण जौहर का, यानी कि भैया करण जौहर का नाम जिस प्रोजेक्ट के साथ में जुड़ता नजर आ रहा है उसका सीधा सीधा बहिष्कार करने की बात कही जा रही है। और हाल फिलहाल में यह खबर देखी गई है, यानी कि सोशल मीडिया पर यह बात कही जा रही है कि भैया हम लोग सूर्यवंशी का भी बहिष्कार करेंगे क्योंकि इस फिल्म के साथ में करण जौहर का भी नाम जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, यह खबर जैसे ही वायरल हो रही थी और भैया सूर्यवंशी के बहिष्कार की बातें तेज हो रही थी, तो भैया इसी बात को ध्यान में रखकर रिलायंस एंटरटेनमेंट की तरफ से यह बात कही गई है कि भैया करण जौहर इस फिल्म का हिस्सा नहीं है, यानी कि भैया सूर्यवंशी से उनका कोई लेना देना नहीं है, यानी कि भैया सूर्यवंशी के साथ में करण जौहर का नाम ना जोड़े आप लोग। यानी कि भैया जो मुद्दा इन दिनों काफी गर्म होता नजर आ रहा था सूर्यवंशी को लेकर कि भैया सूर्यवंशी का भी बहिष्कार किया जाएगा क्योंकि भैया इस फिल्म के साथ में करण जौहर का सीधा सीधा कनेक्शन है, तो उस पर अपनी सफाई रखते हुए रिलायंस एंटरटेनमेंट ने यह बात क्लियर कर दी है कि भैया सूर्यवंशी रिलायंस एंटरटेनमेंट की फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रोहित शेट्टी ने, यानी कि भैया इस फिल्म के प्रोडक्शन से करण जौहर का कोई भी लेना देना नहीं है। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएगा कि जो ये बात बताई गई है रिलायंस एंटरटेनमेंट की तरफ से कि भैया सूर्यवंशी का हिस्सा नहीं है करण जौहर, तो इससे तो यही लग रहा है कि भैया अब करण जौहर भैया बॉलीवुड में साइडलाइन पर आते जा रहे हैं, यानी कि भैया उनकी फिल्मों का बहिष्कार का जो बात शुरू हुआ है उसको देखते हुए तो ऐसा लगता है भैया कि करण जौहर बहुत ही अकेले होते जा रहे हैं। और हाल फिलहाल में जो खबर आई थी करण जौहर को लेकर कि भाई उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कई लोगों के नाम को अलग कर दिया था, यानी कि भैया वो आजकल अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ एक लोगों को फॉलो कर रहे हैं और भैया बाकी लोगों के लिए उन्होंने कमेंट सेक्शन का बॉक्स भी बंद कर दिया है। यानी कि भाई इन दिनों करण जौहर इस बात को लेकर खफा है कि भैया उनके जो करीबी लोग हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो आजकल उनके सपोर्ट में खड़े नहीं हो रहे, यानी कि वे जिस तरीके के मुद्दे इन दिनों देखने को मिल रहे हैं करण जौहर को लेकर, इस मुद्दे पर उनके साथ कोई खड़ा नहीं है। और भाई रिलायंस एंटरटेनमेंट की तरफ से जो ये बात सामने आई है, तो यही लग रहा है कि भाई करण जौहर तो धीरे धीरे बॉलीवुड में अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है रिलायंस एंटरटेनमेंट के इस स्टेटमेंट के बाद क्या लोग सूर्यवंशी का बहिष्कार करेंगे या फिर नहीं? अपने कमेंट के बाद उनसे हमें जरूर बताएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम है नरेंद्र शर्मा और मेरा नाम है पूजा शर्मा, ये मेरी वाइफ है। दोस्तों, आपने आज तक हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को बहुत सारा प्यार दिया है और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे नए चैनल मैडम आगे बताइए टेस्टी कटोरी को भी उसी तरह से प्यार देते आएंगे जिस तरह से अभी तक आपने वरुण जंक्शन को प्यार दिया है। दोस्तों, हम अपने इस चैनल में आपको तरह तरह के व्यंजन बनाकर बताएंगे और उसके साथ बताएंगे कि कैसे आप अपने घर में बहुत ही आसानी से टेस्टी और हेल्दी फूड बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरा निवेदन है यानी कि हम दोनों का निवेदन है कि आप हमारे इस नए चैनल को वैसा ही प्यार और विश्वास दें जो कि आज तक आपने वायरल न्यूज जंक्शन को दिया है। दोस्तों, हमारे इस चैनल का नाम है टेस्टी कटोरी और उसका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।